मोहतरम इमरान रफत साहब ने खूबसूरत अशार पेश किया और एक खूबसूरत माहौल भी बना दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अब उस शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जो बहुत दूर दराज का सफ़र तय करके यहाँ तशरीफ़ लाया है। मेरी गुजारिश है, अभी मुसलसल हिंदुस्तान के बाहर इनका सफ़र था, कई मुल्कों में रहे, अब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, मोहतरम ज़फ़र आज़मी साहब से मैं गुजारिश गुजार हूँ कि आए और मंजूम नजराने अकीदत पेश करें। मैं इन मिसरों से इनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। अभी मौलाए कायनात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे भाई, दफ्तरे कारे मशीयत को संभाला कैसे। मैं वो भाई सरकार, दफ्तरे कारे मशीयत को संभाला कैसे, एक मुरब्बी की तरह खल्क को पाला कैसे, एक मुरब्बी की तरह खल्क को पाला कैसे। दिन में मजदूरी करें, रात में रोटी बांटें, या अली आपने ये वक्त निकाला कैसे, या अली आपने ये वक्त निकाला कैसे। आइए इस्तकबाल करिए मोहतरम ज़फ़र आज़मी साहब का, नारे दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। नहीं ठीक तो नहीं है माइक, आप तमामी हजरात की खिदमत में जश्न रिसालत मआब और जश्न इमाम हुसैन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तमामी हजरात को सलामत रखे। वाकई माइक ने तो वाकई माहौल बड़ा ख़राब कर दिया है। शायर के लिए बड़ा सहारा होता है माइक, मगर इसने आज साथ छोड़ दिया। और आपकी मोहब्बतें हैं, शामिल हाल हैं आपकी मोहब्बतें, इंशाल्लाह अगर आप हजरात हौसला देंगे तो तमाम मैं और मेरे बाद तमाम मेरे भाई आएंगे और आपकी खिदमत में अपने अशार पेश करेंगे। मगर गुजारिश है कि थोड़ा सा हौसला चाहिए, वरना माइक तो कतई इजाज़त नहीं दे रहा है, बहुत ख़तरनाक माइक। चार मिसरों से, नाते पाक के चार मिसरों से नज़्म का जो सफ़र है उसका आगाज़ कर रहा हूँ। देखेंगे या रब मेरी उस दर से मिला देना, या रब मेरी, या रब मेरी पेशानी उस दर से मिला देना, या रब मेरी, पेशानी उस दर से मिला देना जिस दर की फजीलत है रोते को हंसा देना। शुक्रगुजार हूँ आपका, हौसला देते रहें। या रब मेरी पेशानी उस दर से मिला देना जिस दर की फजीलत है रोते को हंसा देना। शिजात भाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आखिरी दो मिसरे नात के मिला फरमाए। उस नूरे मुजस्सम का
कोई देखे, अरे दो करके महे अनवर फिर एक बना देना, दो करके महे अनवर फिर एक बना देना। और हजरात नात का मतलब पेश करता हूँ, लहरा फरमाए, थोड़ा सा गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप ज़िंदगी का सबूत देते रहें। मुलाहदा फरमा मतलब पेश करता हूँ, अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं महसूस करता हूँ, मतलब पेश करता हूँ। देखें अनीस भाई, शायद किसी काबिल हो। साया किसी बशर ने न देखा रसूल का, भाई मेरे साथ हो लें, साया किसी बशर ने न देखा रसूल का, फिर भी है कायनात पा साया रसूल का, साया किसी बशर ने न देखा रसूल का। हुस्न मतलब पेश करता हूँ, मौलाना फरमाए, थोड़ा सा हारा डाइस से भी चाहूँगा, मौलाना फरमाए, देखिए सरकार मुजीब भाई, हुस्न मतलब जब पूरी कायनात है सदका रसूल का, जब पूरी कायनात है सदका रसूल का, कैसे कहे फकत है मदीना रसूल का, जब पूरी कायनात है सदका रसूल का। मौला सलामत रखे, बहुत हौसला मिल रहा है। अब शेर यहाँ से मुलाहदा फरमाए पेश करता हूँ। दुनिया की गर्दिशों का अब इसमें नहीं गुजर, तमाम मौला के चाहने वालों की तरफ से ये शेर। दुनिया की देखेंगे भाईजान, गर्दिशों का अब इसमें नहीं गुजर, अरे दिल मेरा बन चुका है ठिकाना रसूल का, दिल मेरा बन चुका है ठिकाना रसूल का। और बड़ा खूबसूरत शेर नात का आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाहदा फरमाएं, कि जब तक नबी की पुश्त पा बैठे रहे हुसैन, जब तक नबी की पुश्त पा बैठे रहे हुसैन, सर सजदे खुदा से न उठा रसूल का, सर सजदे खुदा से न उठा रसूल का।
اور یہ ملاحظہ فرمائے, ہے ان کا احترام بھی واجب نبی کے بعد, ہے ان کا احترام بھی واجب نبی کے بعد. مصرع پھر پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے, ہے ان کا احترام بھی واجب نبی کے بعد, ہے اہل بیت خون پسینہ رسول کا, ہے اہل بیت خون پسینہ رسول کا. تمام شعر چھوڑتے ہوئے ملاحظہ فرمائے, اتنی کہاں ہے چاند ستاروں میں روشنی. پہلے ان تشریف فرما ہے, اتنی کہاں ہے چاند ستاروں میں روشنی, روشن ہے جتنا نقش کفے پا رسول, اتنی کہاں ہے چاند ستاروں میں روشنی, روشن ہے جتنا نقش کفے پا رسول کا, عشق نبی میں پلٹا ہے گزرا ہوا شباب. بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. عشق نبی میں پلٹا ہے گزرا ہوا شباب, کیوں کر پڑھے نہ کلمہ زلیخا رسول کا, کیوں کر پڑھے نہ کلمہ. اور حضرات اس نعت کا آخری شعر ملاحظہ فرمائے, کیوں کر چلے نہ ان کے اشارے پکائے نات, کیوں کر چلے نہ اس ان کے اشارے پکائے نات, ہے نبض کائنات پا قبضہ رسول کا, ہے نبض کائنات پا. حضرات مقطع بطور خاص پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, وہ دن ظفر قریب ہے جس دن ہمارے ساتھ, وہ دن ظفر قریب ہے جس دن ہمارے ساتھ, کلمہ پڑھے گا سارا زمانہ رسول کا, کلمہ
पढ़ेगा सारा जमाना रसूल का। हज़रात एक सलवात की गुजारिश कर रहा हूँ, अब आखिर में मुलादा फरमाने करबला के हवाले से एक मतला दो तीन शेर पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाएं। गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं, गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं, खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं, खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं। यहाँ से शेर मिला फरमाए जल्दी जल्दी। घटती नहीं है आँखों की बीनाई, इसलिए पेशे नजर है कर्बला और कुछ नहीं, खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं। हजरात तीन चार शेर इस मनकबत को पढ़ना चाहता हूँ, मुलादा फरमाए मतला और शेर मैंने पढ़ा, मेरे साथ हो लें, मैं शेर पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए शेर। उसने कहा के दीन की तारीख पूरी लिख, उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ नहीं, खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं। माले खदीजा माले खदीजा ज़र्बे अली सजदे हुसैन, माले खदीजा ज़र्बे अली सजदे हुसैन, इस्लाम में बस इसके सिवा और कुछ नहीं, खाके शिफा है मेरी दवा। मुझे एहसास है ये मनकबत मुझसे पहले आप तक पहुंच चुकी है। मैं एक सलवात पढ़े एक मतलब दो शेर आखिर में पढ़ता हूँ, सुबह जहमत तमाम, ज़रा मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत पर। मैं एक मतला और सिर्फ दो शेर आखिर में पढ़ रहा हूँ, पूरी तवज्जो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है मेरे साथ हूँ, मतला और दो शेर पढ़ रहा हूँ, मुलादा फरमाए। बैत ने जब तलब का तरीका बदल दिया, बैत ने जब तलब का तरीका बदल दिया, कुरान फातिमा ने भी लहजा बदल दिया, बैत
ہدایت نے جب طلب کا طریقہ بدل دیا، قرآن فاطمہ نے بھی لہجہ بدل دیا۔ حضرات توجہ ملاحظہ فرمائے، شعر پیش کرتا ہوں۔ راہب کو ساتھ بیٹھے تو فطر اس کو پر ملے، راہب کو ساتھ بیٹھے تو فطر اس کو پر ملے۔ ارے شبیر نے نصیب کا لکھا بدل دیا۔ شبیر نے نصیب کا لکھا بدل دیا۔ حضرات یہ آخری دو شعر ملاحظہ فرما لیں جیسے چاہیں۔ عباس نے فرات کا جیسے ہی رخ کیا، ارے گھبرا کے فوج شام نے رستہ بدل دی۔ عباس نے فرات کا جیسے ہی رخ کیا، گھبرا کے فوج شام نے رستہ بدل دیا۔ آخری شعر، قاتل کے گھر میں کر بپا مجلس حسین، زینب نے انتقام کا چہرہ بدل دیا، زینب نے